नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। बिजनौर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां लव मैरिज करने वाले युवक को अपने ही गांव में आने से रोका गया। इतना ही नहीं, गाँव की पंचायत ने लोगों से स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर भी करवाए। पीड़ित युवक ने अपने गाँव में जाने के लिए पुलिस से मदद मांगी। आपको बता दें, यह घटना बड़ापुर थाना क्षेत्र के मुकंदपुर राजमल गांव की है, जहां के रहने वाले अभिषेक नाम के युवक ने 3 महीने पहले अपनी ही जाति की लड़की से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से वह अपनी पत्नी को लेकर गांव से बाहर रहने लगा, लेकिन जब वह दशहरा के मौके पर गांव लौटना चाहता था तो गांव के लोगों ने उसके और उसकी पत्नी के गाँव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। गाँव की पंचायत ने स्टाम्प पेपर पर लिखवा कर यह फरमान जारी किया, यदि अभिषेक उसकी पत्नी गांव में आएंगे तो उसके परिवार को भी पंचायत के निर्णय के अनुसार सजा दी जाएगी। इस फैसले के कारण अभिषेक और उसकी पत्नी ने एसपी अभिषेक झा से मुलाकात की। उसने पंचायत द्वारा जारी स्टाम्प पेपर भी एसपी को सौंपा और कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा है, साथ ही परिवार का भी बहिष्कार किया जा रहा है। एसपी अभिषेक झा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाना अध्यक्ष को जाँच के निर्देश दिए और युवक युवती की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मेरे पापा जी का नाम रामजी है। ग्राम मुकंदपुर राजमल का रहने वाला हूँ, थाना बड़ापुर लगता है, जिला बिजनौर। मैंने 3 महीने पहले कोर्ट मैरिज किया था, शादी की थी अपनी पसंद से, दोनों की राजी से, लड़की की लड़के की, दोनों की हमारी राजी थी। तो उसमें गाँव वालों ने विवाद करा, गाँव वालों ने मीटिंग करी कि लड़का ना लड़की कभी शादी में किसी के मरने उड़ने में अपने घर नहीं आएगा, कभी भी गाँव से बाहर कर दिया गया। एक स्टाम्प 10 रुपये का उन्होंने स्टाम्प पेपर लिया है, उस पर लिख के दिया है, उनके साइन ने, प्रधान जी की मोहर है कि ये कभी गांव में नहीं आना चाहिए। क्या पंचायत भी हुई थी इस मामले को लेकर? जी सर, पंचायत भी हुई पूरे गांव की। पंचायत में क्या फरमान सुनाया? पंचायत में फरमान सुनाया कि ये लड़का लड़की हमारे घर वालों से दबिश में उन्होंने साइन करवाए, पापा जी के भी और हमारे परिवार के भी उन्होंने साइन करवाई कि ये बंदा कभी ये अपने परिवार को लेकर गाँव में नहीं आएगा। अच्छा, जो लड़की है जिससे आपने शादी करी है वो कहाँ की है? वो मेरे गाँव की है, मुकंदपुर राजमल की। तो अब आप कहाँ पे आए हैं? आपने इसमें शिकायत की कहीं पे? जी शिकायत तो नहीं, आज मैं अपने घर जाने के लिए आया हूँ कि एसपी ऑफिस आया हूँ कि मुझे अपने घर पहुँचाया जाए। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, उसमें सुरक्षा चाहता हूँ गांव वालों के, मुझे कुछ कहे ना गांव में से। क्या गांव में आपको जान के कुछ? जी जी, मुझे गांव में अपनी जान की परवाह है, दिक्कत है कि गांव वालों ने मुझे मारने वारने की धमकी दी है कि मैं भाई ये गांव में आएगा तो हम घर वालों को भी डंड ठहराएंगे, हमारे घर वालों को भी। आप किस जाति के हैं? लड़की किस जाति की है? जी एससी जाति की लड़की भी है, दलित जाति की, मैं भी एससी से हूँ। आज दिनांक 10 अक्टूबर को गांव मुकंदपुर राजमल थाना बढ़ापुर के एक प्रकरण में अवगत कराना है कि दिनांक 22 जून 2024 को थाना बढ़ापुर पर FIR नंबर 123/24 पंजीकृत किया गया IPC 366 में। लड़की को सकुशल बरामद किया गया था। लड़की के बयान न्यायालय में कराए गए, इसमें उसने कहा कि उसने लड़के से शादी कर ली है और उसी के साथ रहना चाहती है, दोनों बालिग हैं। इस संबंध में गांव में एक पंचायत हुई थी कि लड़का लड़की अब घर पे नहीं आएंगे। आज थाना बढ़ापुर पुलिस द्वारा दोनों बच्चों व ग्राम प्रधान को हिदायत दी गई है कि वे दोनों बालिग हैं, लड़का लड़की अपने विषय में वह स्वयं निर्णय ले सकते हैं, वे घर पर आकर रहें या कहीं और, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस विषय में दोनों पक्षों की शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से निर्धारित कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।